ये देखो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, सेल्फ ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर ये मेरा सोल्यूशन देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक फोर्स है और एक्टन ए पार्टिकल इन वाई एक्सिस, जो फोर्स है वो वाई एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, और जो फोर्स है वो वाई का फंक्शन है, मतलब एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है? वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल 0 to 1 वाई इक्वल टू 0 से 1 मीटर तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना होगा? अब अगर जो लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनका सवाल ही गलत हो जाएगा। अरे भाई, जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है ना, वर्क डन का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वर्क एनर्जी पावर में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, तो हमने दो टाइप से वर्क निकाले थे। एक हमने वर्क निकाला था कांस्टेंट फोर्स का, और एक हम निकाले थे वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल f.dx, दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स f.dx। इसका मतलब ये हुआ कि f.dx, तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? बोलो, 20 प्लस 10y, और ये dy आ जाएगा। ठीक है ना, dy, और y की लिमिट जाएगी 0 to 1। दिस इज द वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है। ठीक है, ये लिमिट लगा के x1 से x2 तक इंटीग्रेट करते थे। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट डॉट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमें फाइनल सोल्यूशन देगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए 20 और इधर y, और प्लस 10y² / 2, और इसमें लिमिट डाल दिया जाए 0 से 1। इधर 0 डालूंगा तो सब 0 हो जाएगा, और इधर 20 + 10/2, और ये आ जाएगा 1 का square 1, मतलब 5, दैट इज 25 जूल जो है वो आंसर सही है। ठीक है, 25 जूल इसका सही है कोई? हाँ, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो ये जो है 25 जूल इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट।